हेलो जी, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज किस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। हाँ जी, तो भैया रिसेंट वीडियोस में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं, मैं हूं अभी अयोध्या जी में। अपन राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए और पूरा अयोध्या अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आए। तो सबसे पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दो भैया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लिखो जल्दी से। लिख दिया, ओके, जय श्री राम। हाँ जी, तो भैया अभी अयोध्या में है और अयोध्या का जो माहौल है, अयोध्या में जो अभी फील और वाइब्स है ना यार, इतनी ज़बरदस्त वाली हो रखी है, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब क्या बताऊँ यार, एक तो सोचने पे इतना मतलब आंखों से वो हो जाता है ना यार, गजब फील होता है। और बाकी चारों तरफ से जय श्री राम के नारे, और जो भगवान का नाम ले रहे ना, जय बजरंग बली की, आपको शायद आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, बट इतना प्यारा लगता है। मतलब अयोध्या में वैसे ऑलमोस्ट हर गली में दो चार मंदिर तो है ही है, और हर तरफ जो भगवान की आरती हो रही है या घंटियों की आवाज़ आ रही है ना, इतनी खूबसूरत लग रही है, इतना मस्त फील दे रही है, क्या बताऊँ यार मैं आपको। मतलब अभी ऐसा फील कर रहा हूँ ना जो शायद आप यहाँ आके ही फील कर सकते हो, वीडियो में भी आपको फील हो सकता है, बट उस लेवल पर नहीं हो सकता जैसा मैं इंटरनली कैसा फील कर रहा हूँ। एक बार कैसा लग रहा हूँ मैं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कहाँ बताओगे, पहले दिखाता हूँ मैं पूरा, फिर बताना। मैं आपको, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा मेरे को नहीं पता है, किसी की पतंग उड़ी हुई पड़ी है यार। मैं एक बार कमेंट सेक्शन मेरे को जरूर से बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ये वह धोती जो हमने खुद ने पहनी है, रेडीमेड वाली नहीं है, ये बगलबंदी बोलते हैं वैसे इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में, आपका पता नहीं, पर ये तो मफलर है, ये शॉल वॉल। भैया बंदर मामा आ गई है अपना, ना तो लुक देखना चाहिए ना कुछ नहीं, आपको नीचे रूम में जाके दिखाता हूँ मैं लुक। चलो भैया मंदिर में दर्शन करके आते भगवान के, जय श्री राम। बाकी भाई अभी मैं ऊपर आया था सनलाइट की तलाश में, सोचा था कि भैया सूर्य का उजाला उजाला हो रखा होगा, भैया यहाँ फोग हो रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, जीरो विजिबिलिटी, जीरो तो नहीं है भाई, 10 फीट तक की तो है, विजिबिलिटी बहुत कम हो रखी है भैया, बहुत कम, कुछ भी सही से क्लियरली नहीं दिख रहा है। भैया अब बताना यहाँ पे कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, ऊपर तो भैया सही से दिख नहीं रहा था, अभी यहाँ पे भैया इस मोबाइल को खड़ा रख के फिर कर रहा हूँ शूट में, अच्छा लग रहा है, लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा और इस वीडियो पे मेरे को 500 कमेंट मिल गए इसको पहनने के लिए, तो मैं एयरपोर्ट पे भी पहन के जाऊंगा ये की ये ड्रेस, मतलब इसी टाइप की धोती चेंज होगी। 8:30 बजे निकलते हैं यहाँ से अपन सीधा मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि 7 बजे इसलिए नहीं गए भैया क्योंकि वो एकदम से सारी पब्लिक उसी टाइम पे होगी, तो वो लाइन पहले लगना पड़ता, अभी क्या लाइन कंटिन्यू चल रही है तो वो दर्शन में थोड़ा सही रहेगा। भैया मैं सोच रहा हूँ, अच्छा किया जैकेट वगैरह पहन के आ गया, क्योंकि इतनी जबरदस्त वाली यहाँ पे वो हो रखी है ना ठंड, भैया फोग हो रखा इतना ज्यादा दिख ही रहा है आपको, तो ठंड तो होगी यार ऑफकोर्स, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ मैं ना। भैया एक बार तो कहीं ना कहीं रास्ते में रुक के जहाँ पे ढंग की चाय मिल रही होगी, चाय निपटानी पड़ेगी मेरे को, और ना अपना काम नहीं चलना है भैया। जय जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय बजरंग बली। आपको कैमरे में थोड़ा बहुत फिर भी क्लियर दिख रहा है, बट एक्चुअल में ना कुछ भी नहीं दिख रहा इतना अच्छे से। तो जय जय श्री राम, क्या आनंद है ना यार। वैसे तो भैया धर्म नगरी है, कोई टूरिस्ट सिटी नहीं है, टूरिस्ट के लिए नहीं है, मतलब दर्शन के लिए, बट फिर भी एक तरीके से देखा जाए ना भैया, इतना जल्दी यहाँ पे टूरिस्ट आया है ना, शायद सबसे बड़ी ये प्रॉपर्टी होगी ना इकलौती जहाँ पे इतना जल्दी इतना टूरिस्ट आ गया है। भैया अभी चाय ढूंढ रखा दिख जाए तो चाय पकड़ दे। बाकी भैया जगह जगह भंडारे चल रहे इतने सारे ना, चाय के लिए, कोई खाने के लिए, क्या किस चीज के लिए ना, इतना मस्त लग रहा है यार, मजेदार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राइट में भैया, राइट में। बस भैया अभी एक ही दिक्कत है ना, इस फॉग की वजह से इतना क्लियरली दिखेगा नहीं। ये मुख्य द्वार, दिन में ना वापस आएंगे यहाँ तक, क्योंकि अभी तो भैया फोग हो रखी, कुछ दिख ही ना, मंदिर ही नहीं दिखेगा सही से अपने को। भैया अंदर ही अंदर कहाँ कहाँ जा रहे हैं ना अभी, क्या मैंचेज फोग हो रखी है, कुछ दिख नहीं रहा है मंदिर का। भाई यहाँ पे जो है आप सामान जमा कर सकते हैं, सामान जमा करवाने का है, मोबाइल वोबाइल घड़ी वड़ी कुछ भी अलाउ नहीं है भैया, आपको यहीं रख के जाना, पैसे अलाउ है, और अगर चाबी है नॉर्मल वाली मतलब इलेक्ट्रिक वाली नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
के अंदर कितना टाइम लगता है दर्शन करने में? अभी जो है 8:50 हो रहे हैं, कितने बजे तक आते हैं वापस वो देखते हैं आप, फिर बताता हूँ कितनी देर लग रही है अभी मोटा मोटी। चलिए भैया मैं चलता हूँ आगे दर्शन करने के लिए, आप देखो आगे की वीडियो मंदिर के अंदर की। तो भैया दर्शन करके अपन आ चुके हैं मंदिर में, दर्शन तो हो गए यार, क्या बोला हूँ मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मुझे क्या क्या बोलना है अभी, बाहर जाके बोलता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से बताता हूँ। भैया कोई टाइम नहीं लगा, मुश्किल से मैं आधे पौन घंटे में बाहर आ गया दर्शन करके। भैया मंदिर जो है इतना बड़ा बना रखा है ना यार, ऐसा फोटो वीडियो में देखने में और वो छोटा लगता है, बट एक्चुअल में मंदिर इतना बड़ा है, गजब लगता है यार गजब। रहा मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ से मंदिर बहुत दूर है भैया, मतलब आधा एक किलोमीटर, तो एक किलोमीटर तो नहीं आधा किलोमीटर मान लो घूम घूम के हो ही जाएगा। अब जो है आपको बताते अंदर से दर्शन इतने स्मूथ हुए ना भैया, कोई जाम नहीं, मतलब कोई कहीं पे आपको लाइन में रुकना नहीं पड़ा, लाइन जो इतनी स्मूथली चल रही है, मतलब मुश्किल से मेरे आधे घंटे में अंदर जाना दर्शन करके फिर बाहर आ गया मैं, आधा घंटा भी इसलिए भैया गर्भगृह जो मेन मंदिर है वहाँ पे तो मुश्किल से भैया 5 मिनट भी नहीं लगे अंदर, आपको कंटिन्यू लाइन जो है वो चले जा रही है, कहीं पे भी रुक नहीं रही है, बस जाने का टाइम आपको यहाँ से मंदिर के अंदर तक जाने और आने का जो लगा वो टाइम है, अदरवाइज कोई टाइम नहीं लग रहा, इतने स्मूथली दर्शन हो रहे भैया, और भीड़ मतलब है अच्छी खासी है बट उस इतने सही से मैनेज कर रखी है ना भैया, हेड्स ऑफ है यूपी गवर्नमेंट को यार, इतना मस्त मैनेजमेंट कर रखा है यहाँ पे, गजब यार गजब। ओ भैया जो रामलला के दर्शन हुए ना यार, 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर में बैठे हैं, इतने मस्त दर्शन हुए यार, कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब आंखों से आंसू आ गए मेरे तो वहाँ खड़े खड़े भगवान के दर्शन करते करते भैया, मज़ा आ गया यार जी। मुझे लगा था भैया लाइन वाइन में लगना पड़ेगा थोड़ा बहुत ऐसे होगा, बट भैया कुछ भी नहीं, अच्छे से इतना स्मूथ दर्शन हुआ ना यार, भैया आपको आना चाहिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लोग जो बैठे बैठे सोच रहे भैया भीड़ है भीड़ है, भैया कोई भीड़ नहीं, मतलब भीड़ है एक्चुअल में, 2-4 लाख पब्लिक आराम से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रही है पर डे, बट भैया वो भीड़ बाहर दिखेगी आपको, मंदिर के अंदर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी दर्शन करने में, और भीड़ भी होगी ना मैक्स टू मैक्स, भैया आप 1 घंटे में अंदर जाके दर्शन करके बाहर आराम से आ जाओगे। वैसे अगर आप यहीं आना चाह रहे हो थोड़ा मैं टाइम बाद आओ, बाकी अभी चलते भैया बाहर क्योंकि भूख लग रही है मेरे को जबरदस्त वाली, मैंने अभी तक सुबह से चाय भी नहीं पी है, और बिना चाय पिए मेरी मॉर्निंग होती नहीं है सही से, बाहर चलते चाय वाय पीते हैं। हाँ यार जाने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी कसम से ना, बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है यहाँ से, अगर हुआ तो शाम को मैं फिर से दर्शन करने के लिए आऊँगा एक बार। तो अयोध्या में आपको हर एक जगह लूटेंगे, मतलब होटल वाले होटलों के प्राइस ओवर कर रखे हैं, बट खाने पीने के ना अभी तक यहाँ पे प्राइस बड़ा नॉर्मल है, बिल्कुल मतलब हाई नहीं है, मेरा पेट भर गया भैया, पूरी आलू पूरी और सब्जी खाई थी, मतलब 70 रुपये के समथिंग की कुछ थी, और कचौरी वचौरी मिला के भैया 150 रुपये में मेरा पूरा पेट भर गया, मतलब ऑलमोस्ट फुल हो गया मैं। अच्छा भैया और खाना भी बढ़िया, क्योंकि भैया भीड़ की वजह से बंगार हो ऐसा नहीं, अच्छा है खाना। बाकी भैया मिठाई मेरी कमजोरी है, तो गुलाब जामुन दिख गए तो भैया उठाने तो बनते हैं, तो ये और खाने पड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, आवाज में यहाँ पर युद्ध में है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये रहा पीछे हनुमानगढ़ी का मंदिर बजरंग बली का, जहाँ पे कि आपने कल दर्शन किए होंगे। ये भैया मिले हैं, कह रहे हैं इनकी म्यूजिक वीडियो आएगी उसमें अपन ने फहराया, तो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी तो भैया रामलला के दर्शन हो गए अपने, अच्छे से दर्शन कर लिए, मजा आ गया यार, जितने लोग आ रखे हैं उन सबको देख के, और इतनी आस्था है ना, और मतलब
क्या बताऊं आपको, कुल मिला के लोग ना भगवान को लेके, भगवान के मंदिर में या दर्शन करने को लेके इतने वो हो गए ना, कितने सारे लोगों की आंखों में मैंने देखा कि भैया आंसू थे भगवान के दर्शन करते टाइम। इवन मेरे भी थोड़े थोड़े आगे थे, बट ठीक है वो छोड़ो। बाकी भैया अगली वीडियो को मिस मत करना, अगली वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो जगह जहाँ पर कि भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को आखिरी बार दर्शन दिए थे।